मंदिर से हम लोगों को इतनी मदद मिलती है कि जैसे मानसून आने से पहले हम लोग भगवान अंदर जाते हैं, भगवान के पास देखते हैं, ऊपर छत से अगर बूंदाबांदी हल्की हुई तो उसी आसार से अनुमान लगाते हैं हम लोग कि बारिश इस बार हल्की होगी, अगर बूंदाबांदी बढ़ी तो हम लोग जान जाते हैं भारी वर्षा होने वाली है। इस बार क्या मंदिर दर्शा रहा है, क्या आप लोगों को बताइए? अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है, बूंदाबांदी थोड़ी थी तो उसी हिसाब से आज बारिश भी हुई है। आज मौसम बहुत अच्छा है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है हमारे यहाँ। आगे जो मानसून आना है, क्या लगता है मंदिर ने जिस तरह से संकेत दिए? मंदिर ने तो इस बार बड़ी बूंदों का संकेत दिया, तो इस बार हो सकता है भारी बारिश होगी। जी, कितना पुराना मंदिर है, कितने वर्षों से है यहाँ? इसकी तो गवर्नमेंट कार्बन डेटी 4200 ईसा पूर्व बताई जाती है, और बाहर की दीवारों की मोटाई है वो 1883 वर्ष बताई जाती है इसकी। यहाँ ये जगन्नाथपुरी है, ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से प्राचीन है। इसमें जगन्नाथ जी हैं और इसमें बगल में भगवान विष्णु के पूरे अवतार दर्शित कराए गए। ये नरनारायण अवतार, बरा अवतार, मत्स्य अवतार, बावन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार, उधर साइड में देखेंगे घोड़े में सवार कलयुग मोने कल के अवतार, फिर बलराम जी का, परशुराम का, नरसिंह अवतार, उधर कच्छप अवतार। जिस तरह जैसे राम दरबार में भगवान के दशावतार का वर्णन किया गया, वैसे भी यहाँ जो है भगवान के सभी अवतारों का वर्णन किया गया। अच्छा, इस मंदिर का महत्व क्या है? देखिए, ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। आज इसकी चर्चा, मानसून पत्थर की चर्चा आज विश्व में चल रही, और इतनी सटीक भविष्यवाणी करता है कि आज भी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी आश्चर्य मानते हैं। जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही पत्थर पसीज के टपकने लगता है। आप लोगों ने पहले अखबार में पढ़ा होगा कि मानसून केरल में प्रवेश करने वाला, और उस समय ये मंदिर टपक रहा था। अब इससे मालूम होता है कि जैसे ही समुद्र में मानसून बनता है वैसे ही पत्थर ही पसीजना शुरू कर देता है। अब ये देखेंगे मान इस पत्थर की मैग्नेटिक शक्ति कितनी है कि यहाँ से समुद्र कितनी दूर है, और जैसे समुद्र में मानसून बनता है वैसे ही पत्थर क्रिया करना शुरू कर देता है, और इतनी सटीक भविष्यवाणी करता है कि इस आज आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि जिस प्रकार की बरसात होगी उसी प्रकार से इसमें बूंदें आती हैं। ये एक अपने में आश्चर्य लिए हुए। कितने वर्षों पुराना है मंदिर? ये मंदिर बहुत ही युगों पुराना है। इतना प्राचीनतम मंदिर जीवन थालक में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं होगा। इसका प्रमाण क्या है कि इतना प्राचीन मंदिर पूरे भारतवर्ष में जीवन थालक में नहीं होगा, इसका प्रमाण हम आपको दिखाएंगे। ये देखेंगे, ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया है। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इधर देखेंगे ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार है वो देखते ही बता देंगे नहीं, मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। इधर ये सर्प है, ये सर्प है, ये पशु है, ये पशुपतनाथ है, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया, टूट गया। पशुपतनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। इतिहास में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले सब खुदाई से खंडहर। इससे मालूम होता है कि नहीं, इतना प्राचीनतम मंदिर जीवन थालक में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर। मैं इसी मंदिर के किनारे पैदा हुआ और 70 साल हो गए, और मेरी 3 पीढ़ियां गुजर गई, और इस मंदिर के मानसून का नाम शुरुआत से चला आया है, क्योंकि इसमें बारिश, जब बारिश का टाइम आ जाता था करीब, तो इसमें बूंदें और सीलन सब आने लगी, तो लोगों ने अनुमान लगाया कि ये क्यों, और जब इसके बाद बारिश ऊपर हो जाती है तो इसका पानी खत्म हो जाता है। इस तरीके से ये धीरे 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 मानसून मंदिर कहने लगा, और सारे लोग इसके ऊपर आस्था रखने लगे। बारिश का हम लोगों का संकेत करना या जनाई देना, सब चीज़ झूठी हो सकती, मंदिर नहीं झूठा हो सकता, इसका बड़ा विश्वास है। क्षेत्रवासी, गांववासी और हम लोग आस्था में बैठे रहते हैं कि ये मंदिर कब टपकेगा, तब बारिश होगी। इस बार क्या संकेत दिए मंदिर? संकेत तो 4 महीने की बारिश, ज्यादा जोरदारी तो नहीं बता रहा, पर 4 महीने बारिश होगी, ज्यादा गहरी बारिश तो नहीं दिख रही, और बारिश का टाइम आ चुका है, शायद 2-4 दिन में कुछ न कुछ बारिश होगी।